हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए साबुदाने की खिचड़ी लेकर आई हूँ। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे व्रत में या ऐसे ही ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। साबुदाने की खिचड़ी बनाने की सामग्री है, हमने ये एक कटोरी साबुदाना ले लिया है, लगभग 150 ग्राम के बराबर। मैंने 3 से 4 घंटे पहले इसे भिगो के रख दिया था। जैसे हमने सूखा साबुदाना लिया एक बाउल में और उसे हमने पानी डाल दिया और पूरा पानी निकाल देना है। उसमें बस थोड़ा सा पानी रखना है, 1 टेबल स्पून के बराबर, और फिर आप 2 से 3 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए। फूलकर तैयार हो जाता है। देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है ये। अब हम इससे खिचड़ी बनाएंगे। 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, बॉईल करके ले लिया है, और इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये मूंगफली दाना होता है, उसका चूरा है। मैंने मूंगफली दाने को भून लिया और उसका छिलका उतार कर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है। हमने आधा छोटी कटोरी लिया है ये। थोड़ा हरा धनिया लगेगा, बारीक चॉप करके ले लिया है। 2 हरी मिर्च बारीक कट करके ले लिया है। आधा नींबू रस निकाल लिया है, आधा नींबू का। 1 टेबल स्पून ऑयल या घी, 1.5 टीस्पून सेंधा नमक है जो व्रत में खाते हैं, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून शक्कर। चलिए साबुदाने की खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर दिया। इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, जीरा डाल देते हैं, ये हरी मिर्च डाल देंगे। अब ये साबुदाना डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को लो करना है। फ्लेम हमने लो कर दिया है। इसे हम 2 से 3 मिनट यूं ही भून देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम आलू डाल देते हैं। आलू को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आलू के साथ भी हमने साबुदाने को 1 से 1.5 मिनट अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब हम इसमें ये मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम लो रखना है। नमक, शक्कर और ये नींबू का रस डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से चम्मच चला लिया है। खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे बनाने में हमें 5 से 6 मिनट लगा है। सब चीजें तैयार रहती है तो बस इसे फ्राई करने के बाद में बस 5 से 6 मिनट लगता है। देखिए खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और हरा धनिया डाल देंगे। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे दही के साथ में खाइए या ऐसे भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।